बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज़ मोहम्मद यासर आई फिर थोड़ी खिदमत एक नवी रेसिपी लै गया। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बनाने आसान, बना कर रख लो, किसी भी एमरजेंसी थोनों काम आवे। तो देखो जी, तवा मैं चुल्हे चढ़ाता, अच्छी तरह गर्म होने देना तवे को। तवा देखो जी माशाल्लाह साडा गर्म हो गया। हुण इहदे उत्ते बाबा ब्रेड नूं छोटे छोटे पीसां दे विच करके इहदे उत्ते रख देना। तकरीबन 4 to 5 साडे स्लाइस सी ब्रेड दे, इन्हों अच्छी तरह पहले एक साइड तो अच्छी तरह गर्म करना है। तकरीबन अद्धा मिनट इनू एक साइड नू गर्म करना अच्छी तरह इनू गर्म कर लेना। जो एक साइड गर्म हो जाएगी तो तकरीबन अद्धा क मिनट फिर यदि साइड चेंज कर दें। देखो जी तकरीबन अद्धा क मिनट करता, अद्धा मिनट करने तो बाद असी यदि साइड चेंज करती है तो तकरीबन फुल गर्म हो गया। जो हार्ड होगा ये साढ़े जोड़े स्लाइस है बिल्कुल टुकड़े स्लाइस से हार्ड हो जाएंगे, फिर इनू लाने जो आप हाथ ना भोर ही भुरन लग पैन। तो देखो जी माशाल्लाह अच्छी तरह गर्म हो गया। तो इनू एक चीकू ले लेना, चीकू लैके जो थोड़े थोड़े जिन्हें दे सुराख खुले हो चीकू लैके उदे विच पा के इनू हाथ की मदद ना इनू अच्छी तरह मसल लेना ताकि जोड़े साढ़े क्रम्स हो सारे थले आ जाए प्लेट के। देखो जी माशाल्लाह कैसे जबरदस्त, इदा देखो जी माशाल्लाह। तो हुण इहनू फिर आप एक बार अच्छी तरह मसल लेंगे, जिहड़ा बाकी बच जाऊगा तो उन्होंने फिर आप अच्छी तरह तवे के उत्ते पा के गर्म कर लाँगे। देखो जी माशाल्लाह साढ़े काफ़ी ब्रेड क्रम्स निकले हैं। तो उस तो बाद हुण आप इन फिर तवे रखते हैं। तो देखो जी माशाल्लाह इन मैं फिर तवे अच्छी तरह गर्म कर लिया। अच्छी तरह गर्म करने तो बाद साढ़े तकरीबन सारे ब्रेड के निकले, थोड़े बहुत रह गए। तो ये भी असं जाया नहीं जान देना, ये बार चिड़िया वगैरह में पा देने, ये भी सदका जा रही है एक किस्म का। तो मैं दुआवां च याद रखियो, अगली वीडियो तक दो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।